and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. नमस्कार आदाब, मैं हूं श्याम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं ट्रेवल मस्ती। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिश्चियन डेरा, जो आदिवासियों का जीएल चर्च अनुसरण करने वालों का एक पवित्र स्थल है, वहां पे लेकर चलता हूं। ये क्रिश्चियन डेरा झारखंड के खूंटी ज़िला में स्थित है और ये बिल्कुल सुदूर जंगल के अंदर है। यहाँ पर 2 फरवरी को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर से भी जीएल चर्च अनुसरण करने वाले यहाँ पे आते हैं और बाकी दूसरे समुदाय भी मेला का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए जानते हैं, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ क्यों बनाया गया है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है, सच्ची घटना पर आधारित है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे जीएल चर्च अनुसरण करने वाले रहते थे, अभी भी रहते हैं, और उस वक्त में 8 या 10 घर होंगे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही घरों की संख्या और लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो पुरानी कथा के अनुसार यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आदिवासियों को मारने के लिए उनके साथ अत्याचार कर रहे थे। तब एक दिन हद ही कर दी और असामाजिक तत्वों ने आदिवासियों को मारने के लिए निकल पड़े। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी भागने लगे और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ सभी लोग गांव से बाहर निकलने लगे। तो सामने एक नदी आती है और नदी का पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में तो फिर इनकी जान जा सकती थी, तो इन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे जान बचाओ, हम सब मुसीबत में हैं। तो देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ और एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, वो नदी के बीचों बीच गिर गया और सभी लोग वहाँ से उस नदी को पेड़ के जरिए पार करके निकल गए। और जब तक ये लोग, जो असामाजिक तत्व वाले लोग हैं, पहुँचते, तब तक से पेड़ पानी में बह गया और आदिवासी उस तरफ पार हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ईसा मसीह की याद में और विश्वास को जताते हुए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये स्तंभ बना हुआ है और उसी की याद में यहाँ 2 फरवरी को मेला भी लगता है। यहाँ पूजा प्रार्थनाएं सब होती है, सभी तरह से लोग आते हैं, गाड़ियों की भीड़ रहती है, बसें वगैरह रहती है, कार वगैरह, बाइक वगैरह, और झारखंड के बाहर से भी लोग आते हैं, फादर सिस्टर वगैरह और जितने भी जीएल चर्च के अनुयायी हैं, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये बिल्कुल सुदूर जंगल के अंदर है और आम दिनों में यहाँ लोग आते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको यदि आना हो तो 2 फरवरी को आप यहाँ आकर मेला का लुत्फ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और बताना चाहूँगा कि ये क्रिश्चियन डेरा का पार्ट 1 है, क्योंकि मैं नहीं गया था, किसी ने मुझे, एक महिला सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो प्रोवाइड कराया है, लेकिन सही ढंग से ये नहीं बन पाया। तो ये जो है ये पार्ट 1 है और मैं खुद ही एक बार जाऊंगा और इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा।